Hello everyone, I am Istiyaque Surve, Motor Mechanic Vehicle Instructor, Ahmed Abdullah Garib, Private ITI के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है? कनेक्टिंग रॉड जो है वो कहाँ इस्तेमाल होती है और क्या उसका मेन पर्पस है इंजन के अंदर, जो कि ये इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर काफ़ी यूज होती है। ठीक है, अब कनेक्टिंग रॉड्स जो है ये बेसिकली हमारे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर होती है, और इंटरनल कंबशन इंजन वो है जो पेट्रोल और डीजल इंजन से चलते हैं, डीजल फ्यूल से चलते हैं, जिसके अंदर पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जो मेन पार्ट कनेक्ट करता है एक दूसरे से, वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो है इसके अंदर इसका जो स्ट्रेंथ और इसका जो ताकत है वो पूरे इंजन के इंजन का जो एक लाइक बहुत मजबूत पार्ट है वो पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने में काम आता है। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट के अंदर कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड जो है वो कनेक्ट होता है, और पिस्टन के साइड में स्मॉल एंड। कनेक्टिंग रॉड के अंदर दो एंड्स होते हैं, जो ऊपर वाला एंड होता है जो पिस्टन से कनेक्ट होता है पिस्टन पिन से, वो होता है स्मॉल एंड, और जो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है वो होता है बिग एंड विथ शेल बेयरिंग। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड के ऊपर की तरफ का जो हिस्सा है, जो स्मॉल साइज का जो स्मॉल राउंड है, वो है हमारा कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड। कनेक्टिंग रॉड का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम बिग एंड बोलते हैं, ये बिग एंड जो है ये हमारे क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करता है। प्लस इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि ऊपर वाला जो पिस्टन के ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसको क्रैंकशाफ्ट की तरफ कन्वर्ट करना। इसके साथ इसके अंदर एक और एक चीज है, जो पिस्टन के अंदर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देखने मिलेगा। अगर जब इंजन मूव करता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में वो मूव करता है पिस्टन, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ये मोशन को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और कनेक्टिंग रॉड वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट होता है तो उससे हमारे इंजन के अंदर पावर जो है आगे की तरफ, गियरबॉक्स की तरफ और व्हील की तरफ, ड्राइव की तरफ पावर ट्रांसमिट होता है। ऐसी ये कनेक्टिंग रॉड काम करता है। प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये काफी स्ट्रांग होती है। क्या? क्योंकि ऊपर जो पिस्टन के ऊपर जो पावर आ रहा है वो पिस्टन के ऊपर वाला पावर वो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वो पुट कर रहा है, और इसके वजह से ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। जैसे कनेक्टिंग रॉड जो है इसके अंदर इसका जो लुब्रिकेशन है, ये लुब्रिकेशन भी जो है हमारे इंजन के अंदर से होता है, इसको लुब्रिकेशन करना भी जरूरी है। देखिए इसका स्मॉल एंड जो है वो क्रैंकशाफ्ट की तरफ कनेक्ट हो रहा है, और आपने अगर पिक्चर में देखे रहोगे तो नीचे जो बिग एंड है वो बिग एंड के अंदर शेल बेयरिंग के अंदर लुब्रिकेशन का पार्ट दिया हुआ है, वहां से ऑयल जो है ट्रांसफर होता है पिस्टन की तरफ, और पिस्टन की तरफ पिस्टन पिन को और आगे के अंदर के स्कर्ट को सबको लुब्रिकेट करता हुआ नीचे आता है। ऐसा है ये कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड से जो है हमारे इंजन के अंदर पूरा ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। ये ऐसी ही अगर हमारा चार सिलेंडर का इंजन है तो हर सिलेंडर के अंदर एक एक कनेक्टिंग रॉड होगा, एक एक कनेक्टिंग रॉड हर चार, अगर चार सिलेंडर का इंजन है तो चार कनेक्टिंग रॉड रहेंगे और चारों कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया रहेगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। थैंक यू।